हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी की नोटिफिकेशंस आप तक सही समय पे पहुंच सकें। आप वीडियोस को देखते हैं द्वारका में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, आप प्रॉपर्टी सेल करने के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने द्वारका में करनी हो, छोटी इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी प्राइस की आपने कोई इन्वेस्टमेंट द्वारका में करनी हो प्रॉपर्टी में, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जो शॉर्ट टर्म सेल के लिए मार्केट में आते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेके आए हैं, ये लेके आए हैं DDA का MIG फ्लैट। 200 टॉप फ्लोर की ये इन्वेंट्री आज हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें, सेक्टर 19 की लोकेशन ये आपको मिल जाती है, सामने ही आपको मार्केट मिल जाती है काफ़ी बड़ी, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से सेक्टर 11 का आपको काफ़ी पास में मिल जाता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस सोसाइटी के साथ ही अभी बनने वाला है, वो कुछ ही दिनों में रेडी होकर के आपको मिलेगा। बाकी सारी की सारी कनेक्टिविटी सेक्टर 19 से काफ़ी पास में आपको मिल जाती है। सेक्टर 19 की ये लोकेशन रहने वाली है, टॉप फ्लोर की ये इन्वेंट्री है विद रूफ राइट। आपको मैं लेके चलता हूँ फ्लैट की फ्रंट एंट्री पे। अभी हम खड़े हैं MIG फ्लैट की बालकनी में। इस प्रॉपर्टी का प्राइस भी मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, बालकनी का साइज़ आप देख सकते हैं, तकरीबन 6x10 का ये आपको बालकनी का साइज़ मिल जाता है। बहुत खुली ये आपको इस MIG फ्लैट के अंदर बालकनी मिल जाती है और सामने आपको रोड मिल जाती है। आप देखिए, फ्रंट फेसिंग का ये आपको फ्लैट मिलता है, पूरी की पूरी चौड़ी रोड मिल जाती है। और इस फ्लैट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे आप सामने देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी को एक्सटेंड किया गया है, तो आप अपनी इस प्रॉपर्टी को भी एक्सटेंड करके इसको 3+1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। DDA से परमिशन लेना पड़ता है और उस परमिशन के साथ आप इस प्रॉपर्टी को ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक 2 BHK या 3 BHK आप ऊपर भी बिल्डअप कर सकते हैं। सामने काफ़ी चौड़ी रोड मिल जाती है, आपकी ये बालकनी आ जाती है। मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉपर्टी की मेन एंट्री पे। आ जाती है प्रॉपर्टी की मेन एंट्री, और एंट्री पर आने से पहले आप देख सकते हैं सामने काफ़ी खुला आपको ये स्टेयरकेस मिल जाता है। सनलाइट और एयर वेंटिलेशन दोनों ही चीज़ इस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी मिलती है। प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं और ये जो स्पेस है ये आपका एज ए डाइनिंग एरिया ये आपका आ जाता है। आप देखिएगा, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है इस डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तकरीबन 10x10 का ये आपको डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है। दोस्तों, फ्लैट की जो कंडीशन है बिल्कुल रॉ है। अगर हम साइज़ की बात करें, तकरीबन 900 से 1000 स्क्वायर फीट के बीच में आपको ये प्रॉपर्टी का साइज़ मिलता है। इसको आप एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटेंशन के बाद तो 1300-1400 कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें पीछे भी एक्सटेंशन के चांसेस हैं और आगे भी एक्सटेंशन के चांसेस आपको मिल जाते हैं। ये जो विंडो है इसके सामने आपको पूरा एरिया एक्सटेंशन के लिए मिलता है आपको। ये डाइनिंग के सामने आपको यहाँ पर मिल जाती है किचन। अब देखिए, प्रॉपर्टी जो है पूरी की पूरी रॉ प्रॉपर्टी आपको मिलती है। जो भी आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा काम आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस डिमांड है वो भी काफ़ी कम रखा गया है। ये पूरी की पूरी यहाँ पर एल कॉर्नर की आपको स्लैब मिल जाती है। सामने आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। किचन की अगर हम साइज़ की बात करें, तकरीबन 9x7 का आपको ये किचन का साइज़ मिल जाता है। ये आ जाता है आपका किचन। मैं आपको लेके चलता हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम में। ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में एंटर करते ही आपको स्पेस मिल जाता है तकरीबन 10x10 का, ये आपका फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। और इसके बाद आपको जो यहाँ बालकनी मिलती है, जैसा कि दिखाया गया, काफ़ी बड़ी ये आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है। और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आपको उस रूम में वहाँ पर मिलती है। आप देखिएगा मेरे सामने, ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। और ये बड़ी जो बालकनी है आपके बेडरूम से भी कनेक्ट आपको मिलती है और आपके ड्राइंग रूम से भी आपको कनेक्ट मिलती है। मैं आपको लेके चलता हूँ आपके ड्राइंग रूम में। ये आ जाता है आपका ड्राइंग रूम। देखिए, इस फ्लैट में सबसे जो बढ़िया बात है वो ये है कि इसमें आपको ड्राइंग रूम के जो स्पेस दिया गया है वो पार्टीशन के साथ दिया गया है। आपके 3 कमरों का ये सेट आपको मिलता है। इसमें आप किसी भी रूम को ड्राइंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप बेडरूम को बड़ा लेना चाहते हैं। इसका अगर मैं साइज़ की बात करूं, तकरीबन 12x14 का, 12x16 का ये आपको यहाँ ड्राइंग रूम का पूरा स्पेस मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज़ आप देख सकते हैं यहाँ आपको आपके सामने मिल जाती है। और यहीं से आपका एक्सटेंशन भी होता है, जो आगे बालकनी एक्सटेंड होती है वो इसी पोर्शन से आपकी आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। और ये आ जाता है यहाँ पर आपका डाइनिंग
डाइनिंग एरिया का पूरा आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इस डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड भी आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम और आपका किचन आपको मिलते हैं। ऊपर आपको देखिए स्टोरेज के लिए आपको काफ़ी स्पेस जो है वो DDA देता है अपनी हर प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो स्पेस आपको मिल जाता है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो रॉ फ्लोरिंग जो मोज़ेक की आपको मिलती है वो आपको इस प्रॉपर्टी में मिल जाती है। हम आगे की तरफ चलते हैं, ये आपका बेसिन का एरिया आ जाता है और ये आपको दो वॉशरूम्स जैसा DDA में मिलता है वैसा ही आपको ये दोनों के दोनों रॉ वॉशरूम्स आपको ये मिल जाते हैं। और इसमें काम करवाने के बाद आपके दो वॉशरूम, एक अटैच एक कॉमन वॉशरूम आपका सेपरेट निकलता है। यहाँ पे भी आपको एक वेंटिलेशन मिलती है सनलाइट के लिए। आप देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ इस प्रॉपर्टी में मिल जाती हैं आपको और आपके हर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। ये आ जाता है आपका सेकेंड बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ आपको बड़ा मिल जाता है, तकरीबन 11x13 का ये आपको बेडरूम का साइज़ मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी स्टोर के लिए स्पेस मिलता है और नीचे आपकी अलमीराज के लिए आपको ऑलरेडी सेक्शन यहाँ पे बना हुआ मिलता है। यहाँ पे भी एक एयर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए आपको प्रॉपर एक विंडो मिलती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ में एक्सटेंशन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। जब प्रॉपर्टी में आप शिफ्ट कर जाते हैं, रहने लगते हैं, उसके बाद आप कुछ एक्सटेंशन अगर करते हैं तो नीचे और ऊपर वालों की कोऑर्डिनेशन के साथ आप कुछ ना कुछ एक्सटेंशन DDA की प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, वो इजीली यहाँ पे हो जाता है। छत आपको साथ में मिलती है। आप अगर वन रूम या टू रूम का सेट ऊपर अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस प्रॉपर्टी में बना सकते हैं। विद रूफ राइट ये आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। सेक्टर 19 की ये आपको लोकेशन मिल जाती है। अगर मैं DDA के पार्क की बात करूं तो सोसाइटी के अंदर भी पार्क मिलता है और सोसाइटी के दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े पार्क मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी यहाँ पास में मिलती है। मेट्रो स्टेशन और मार्केट आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है। मंदिर सोसाइटी के अंदर ही मिल जाता है। ये सारी की सारी जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। एक रेड लाइट क्रॉस करते ही सामने आपको 4 से 5 स्कूल मिल जाते हैं, हॉस्पिटल मिल जाता है। काफ़ी अच्छी लोकेशन पर ये आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। दोस्तों इस प्रॉपर्टी की जो प्राइस डिमांड रखी गई है वो 1,30,00,000 रुपए की प्राइस डिमांड रखी गई है। इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, इस प्रॉपर्टी के अंदर डिटेल्स जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों।